हेलो स्टूडेंट अगेन वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपको बताने वाला हूँ बी ए एम एस फर्स्ट ईयर का जो एनाटॉमी सिलेबस है इसके बारे में हम, हम डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं है, है ना जो न्यू बैच आए हैं इन सभी का यही सिलेबस है इक्कीस बाईस बाईस तेईस अभी दो ही बैच आ पाए हैं गुरु रचनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर वाली के तो इसके बारे में पूरा सिलेबस की जानकारी मैं दूंगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताओ देखते हैं बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा नेशनल कमीशन मतलब एन सी आई एस एम है फर्स्ट आयुर्वेद आयुर्वेदाचार्य बी एम एस सब्जेक्ट कोड आपका आयु मतलब आयु ग्रेजुएशन आर एस रचना शरीर ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं इसे आपके परफॉर्मा एक दे दूँ नॉर्मली तरीके से समरी टाइप आपके लेक्चर होंगे फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दो आपके पेपर होंगे इनमें नब्बे नब्बे घंटे के लेक्चर होंगे नब्बे नब्बे घंटे के आपके लेक्चर होंगे एक सौ अस्सी घंटे टोटल बनते हैं इसके बाद नॉन लेक्चर हावर नॉन लेक्चर हावर होंगे आपके ये भी इतना ही होगा चालीस चालीस हावर के होंगे ये अस्सी घंटे इसके बनते हैं उसके एक सौ अस्सी इसके अस्सी टोटल आपका एनाटॉमी का पूरा सिस्टम 240 सौ का है उसके बाद मार्क की बात करें तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों थियोरटिकल पार्ट इनका 100 सौ, -सौ नंबर का है प्रैक्टिकल भी इन दोनों का 100 नंबर का है बायवा 70 नंबर का है इलेक्टिव कुछ डिसाइड अभी इन्होंने करके नहीं दिया है बाकी आई ए तीस नंबर का है ना इस प्रकार से आपका इंटरनल असेसमेंट आईए इंटरनल असेसमेंट ये पूरा आपका तीस नंबर का है तो दो, दो सौ नंबर होते हैं टोटल टोटल इस प्रैक्टिकल पार्ट के और दो सौ नंबर थ्योरी के तो टोटल एनाटॉमी का आपका पेपर रहेगा वो चार सौ नंबर का रहेगा अब हम देखते हैं सिलेबस के बारे में ये आपका आ गया पेपर फर्स्ट पेपर फर्स्ट का सिलेबस में क्या क्या है थोड़ा वीडियो लेंदी तो होने वाला है क्योंकि पूरा मैं बताऊंगा तो बड़ा होगा मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूं वीडियो को पूरा देखें वीडियो को स्किप ना करें आपका एक चैप्टर है शरीरों परिक्रम सारी पेपर फर्स्ट है शरीरो परिक्रम परिक्रम शरीर है, है ये इसमें है आपको टॉपिक्स हैं आपके शरीर शारीर और शरीरी इनमें तीनों में डिफरेंस मिलेगा पढ़ने को शरीर शारीर और शरीर शरीर मतलब एक बॉडी होती है शारीर मतलब एक ऑर्गन वाला सिस्टम होता है शरीर ही मतलब एक आत्मा होती है इस टाइप से तीनों पढ़ने आपको आपको मिलेंगे किताब बॉडी और आत्मा दूसरा आपका टॉपिक है सिक्स रीजन ऑफ बॉडी मतलब सड़ंग शरीर आपका तीसरा टॉपिक रहेगा इसी चैप्टर में सब डिवीजन मतलब अंग प्रत्यंग प्रत्यंग विभाग मतलब अंग प्रत्यंग विभाग शरीर शास्त्र विभाग शरीर ज्ञान प्रयोजन शरीर शरीर का ज्ञान प्रयोजन एंड इट डिस्क्रिप्शन इन इन कंटेम्परी साइंस विद इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आपका दूसरा चैप्टर आएगा परिभाषा शरीर इसमें आपको परिभाषा शरीर में किस किस की परिभाषा पढ़ने को मिलेगी है ना कूर्च किसी कहते हैं कंडरा जरा जला लिखा हुआ है यहाँ पे और जला अस्त शरीर सीमांत शिवानी सिवानी रज्जु लशिका ये एक तो हिंदी के वर्ड हैं तो टिपिकल पढ़ते हैं हिंदी में ही हो तब ठीक है नहीं तो इंग्लिश में ही लिखे हो फिर इंग्लिश के वर्ड जैसे टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड है ये सब है ठीक है सड़ंग शरीर है ना अब चैप्टर नंबर थर्ड आता है आपका गर्भ शरीर तो इसमें आपको मिलेगा डेफिनेशन ऑफ गर्भ दूसरा टॉपिक कंसेप्ट ऑफ शुक्र एंड आर्तव फिर उसके बाद है तीसरा टॉपिक गर्भ भिक, गर्भ विक्रांति ये विकृति मासानुनाशिक वृद्धि कर रोल ऑफ पंचमहाूत इन गर्भ वृद्धि कंसेप्ट ऑफ बीज बीज भाग बीज बीज भाग्य यवा है ना ये आपको सब पढ़ने को लगे गर्भ पोषण गर्भ का पोषण किससे होता है उपश्वेत से अपरा निर्माण निर्माण भी यहाँ गलत लिखी है अप, अपरा निर्मित लिख दिए मतलब निर्माण होता है निर्मित है चलो ठीक है लेकिन इसे कहते हैं अपना को प्लेसेंटा ठीक है गर्भ, उसके बाद गर्भ अंग प्रत्यंग उत्पत्ति अकॉर्डिंग टू डिफरेंस आचार्य अलग अलग आचार्य के अनुसार गर्भ में कौन सा अंग किस मंथ में बनता है गर्भ विकृति ये सब पूरा गर्भ का एम्ब्रियोलॉजी का पूरा पार्ट है ये उसके बाद है चौथा चैप्टर है आपका ये पूरा अस्थि शारीर का मैं टॉपिक अंदर के नहीं पढ़ रहा वीडियो लेंदी हो रही है तो अस्थि शारीर का चैप्टर है इसमें पूरे आपको बॉन के बारे में बताया जाएगा है ना संधि शारीर है इसमें आपको पूरे फुल जॉइंट के बारे में बताए जाएंगे मैं एक बार और बता देता हूँ कि इन जो सिलेबस में जो लिखा है ना वही पढ़ो आलतू फालतू पढ़ोगे तो उससे कुछ फ़ायदा है नहीं वो पेपर में बाहर का आने वाला है नहीं तो जो इसमें है वही पढ़ो संधि सारी स्नायु सारी तो कंसेप्ट ऑफ स्नायु एंड क्लिनिकल इम्पोर्टेंस यही पढ़ो पेशी तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशी उत्पत्ति टाइप ऑफ स्वरूप फंक्शन विद इम्पोर्टेंस यही किस दंत नक शरीर बाल नाखून दांत ये पूरा इसमें रहेगा तो इसमें टॉपिक हम वही पढ़ो और एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी में डेफिनेशन ऑफ ब्रांचेज ऑफ एम्ब्रियोलो एम्ब्रियो एंड द फीटस ऑफ एंड ओव फर्टिलाइजेशन क्लीवेज जर्मलेयर फॉर्मेशन जर्मलेयर फॉर्मेशन एंड देयर डेरिवेटिव जी लॉ ऑफ हेयर डिटी सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ मंथ वाइज डेवलपमेंट एम्ब्रियो मॉडर्न के अनुसार आ गया ऊपर जो शरीर सारी था वो आयुर्वेद था इधर मॉडर्न है ये मॉडर्न ठीक है फीटल सर्कुलेशन प्लेश फॉर्मेशन ये सब वही है पर आप इसमें ऑस्टियोलॉजी मतलब पूरा आपको बोन स्ट्रक्चर टाइप ऑसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोन क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ना है और आपको ऑर्थोलॉजी में आपको जॉइंट ये वही है पहले वहाँ आयुर्वेद का था या मॉडर्न का है ऑर्थोलॉजी में फुल जॉइंट संधि सारी था इधर यहाँ पर ऑर्थोलॉजी है माओलॉजी में पी वाला था यहाँ पर माइोलॉजी मॉडर्न का पढ़ना है नर्वस सिस्टम पढ़ना है वह तंत्र का तंत्र है नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम ज़रा ध्यान से पढ़ना क्यों नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आता ही आता है पंद्रह से इस बीस नंबर का हमारे में पंद्रह नंबर का आता था लेकिन इसमें लिख के भी दे रहा है कि चौदह नंबर का क्वेश्चन आना है तो चौदह नंबर का आना है नर्वस सिस्टम अच्छे से पढ़ो एंडोक्राइनलॉजी से आठ नंबर का आना है लिम्फेटिक सिस्टम से भी दो नंबर का आना ही आना है है ना तो उसके बाद पेपर सेकेंड है सेकंड में आपके में पहला ही चैप्टर है प्रपना सारी है नमन प्रमाण शारीर तो प्रमाण भाई होता है अंगुल प्रमाण कौन से अंगुल कहाँ पर है अंजली प्रमाण अंगुल प्रमाण अपना फॉर इम्पोर्टेंस कोष्ठ एवं आशय शारीर इसमें कोष्ट आशय मतलब कोष्ट वही है आपकी एलिमेंट्री कैनाल आशय कौन सा ऑर्गन कहाँ स्थित करता है सिर शरीर, कंसेप्ट ऑफ सिर, निरुपति ऑफ टाइप ऑफ कंसेप्ट ऑफ सिर इट्स अप्लाइड एब्सेक्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सिर विध, धमनी शरीर, श्रोता धमनी श्रोता कला, शब्द कला होती है आपकी, इंद्री शरीर, आपको सब मिलेगा, त्वचा शरीर, मर्म शरीर, ये आपको पूरा रहेगा, अब यहाँ से आपका मॉडर्न पार्ट चलेगा। रेस्पारेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा एनाटॉमी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम यूरूनरी सिस्टम रेप्रोडक्टिव सिस्टम सेंस ऑर्गन छोटा पार्ट है सेकंड पेपर छोटा है सेंस ऑर्गन ही पंद्रह नंबर का आएगा तो मतलब यहाँ से हम मैं कह सकता हूँ कि आपको पाँच ही तो ऑर्गन होते हैं पाँचों के पाँचों तैयार कर लो क्योंकि चौदह नंबर का आएगा यहाँ से ये यह लिखा हुआ है तो ये रहा आपका फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी का सिलेबस का डिटेल और भी आपको कुछ पूछना हो इसमें तो हमें कमेंट कर देना बता देंगे जो भी रह गया वो वैसे रहा नहीं है लेकिन हो सकता है छूट गया हो सॉरी जो मैंने नंबर बताए थे अभी वो लेक्चर थे नंबर इधर हैं सी टू मार्क्स टी टू लेक्चर हवर हाँ तो ये आपका सेंस ऑर्गन का जो था अभी यहाँ मैं बता के गया हूँ सेंस ऑर्गन दस नंबर का आएगा दस नंबर का आएगा तो मतलब यहाँ से कोई एक ऑर्गन टेन दस नंबर का एक्सप्लेन पूछेगा और चौदह घंटे चौदह लेक्चर का ये पूरा है ऊपर वीडियो में मैंने काफी हो सकता है मिस्टेक हो गई हो तो जो पहले नंबर पर लिखे वो नंबर है सेकेंड नंबर पर है वो, वो हावर है है ना तो यही है टेन नंबर का है यहाँ से बाकी वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करो कमेंट करो धन्यवाद